कि मैं जब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बना तो हमने टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स को स्टडी करना शुरू किया। तो इसके संबंध में पहली चिट्ठी हमने अप्रैल 2024 में ही लिख दी थी कि जो है वो कि इस प्रकार की रिपोर्ट मिल रही है और इस पर आप जो है वो फील्ड डायरेक्टर को ये निर्देश था कि आप इस पर जो है वो कार्रवाई करके हमको पुख्ता साक्ष्य के साथ बताएं। जवाब आया, परंतु वो जवाब संतोषजनक नहीं था। अभी फिर हमने वीकली टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट मंगाना शुरू कर दिया, और जब वीकली टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट आप मंगाना शुरू किया तो अभी जो 14-10 की जो हमको रिपोर्ट मिली उसको देखने से हमें लगा कि 11 बाघ तो ऐसे हैं जिनका एक साल से ज्यादा समय से कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है कि भाई वो मौजूद हैं, अगर हैं तो कहाँ हैं, मिसिंग हो गए हैं। और एक साल से कम वाले जो हैं वो करीब 14 बाघ हैं, पर वो जो 14 बाघ हैं उनमें जो फोटोज लिखा जरूर एक पर से कम है, परंतु उसमें जो लास्ट फोटो है, जो मतलब सबसे आखिरी फोटो हम कहेंगे, वो 6 महीने के अंदर की है, 17/5/24 की लास्ट फोटो है, और सबसे लेटेस्ट जो है वो 30/9/24 की है। फिर भी एक महीने का समय काफ़ी होता है, इसलिए ये ज़रूरत समझी गई कि भाई चूंकि इसमें सुधार होता नहीं दिख रहा है स्थिति में, तो इसलिए एक कमेटी बना करके इसकी पूरी छानबीन की जाए। और कमेटी के कार्य बिंदु भी बड़े स्पष्ट हैं, मतलब आप यूं समझें कि इसको सुधारात्मक रूप से हमने ये कदम उठाया है, कोई अन्य एजेंसी इसको उठाती, कोई और इस बात को कहता तो शायद हमारे पास जवाब नहीं होता, परंतु तो हम ये प्रोएक्टिव होकर इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि हमें सब कुछ सही सही और क्रिस्टल क्लियर हमारे पास रहे। दूसरी बात यह है कि समिति के कार्य बिंदु बड़े स्पष्ट लिखे गए हैं कि भाई एक तो आप ये देखें कि इसके लिए क्या क्या प्रयास हुए, दूसरा ये है कि आप जितना भी टाइगर मॉनिटरिंग की रिपोर्ट वहाँ पर रही हैं उनको सबका स्टडी करें, फिर इसके बाद ये भी है कि अगर किसी की लापरवाही या वो मिलती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करें उसके ऊपर, और जो है वो विशेषज्ञों की राय अगर आवश्यकता पड़े तो कमेटी ले सकती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब मैं नया नया चीफ वाइल्ड लाइफ बना था तो अपने रणथंभौर के पहले दौरे में मैंने जो है वो सवाई माधोपुर से शिवपुर जो सड़क जा रही है वो बोदल और उससे पहले गांव में पहले बहुत पहले वो एक पतली सी सड़क हुआ करती थी जब मैंने उसे बहुत पहले देखा था शायद सन 2016 में। अब की बार गया तो देखा वहाँ पे एक 2 लेन हाईवे बना हुआ है और नीचे जो है अंडर पासेज हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई इसमें आपने अंडर पास में कैमरा लगाया या नहीं लगाया कैमरा, तो पता लगा साहब नहीं लगे, तो मैंने कहा एक बार कैमरा ट्रैप लगाओ, तो कैमरा ट्रैप हमने लगाया उसमें। और मई में जो हमको जो रिपोर्ट मिली उसकी कैमरा ट्रैप्स की, आपको जान के ताजुब होगा 3,500 जानवरों ने उसको अंडर पासिस का इस्तेमाल किया है। और मजेदार बात यह है कि उनमें 4 टाइगर थे जो अलग अलग अंडर पास से गए हैं, और उससे ज्यादा मजेदार बात यह है कि उन 4 टाइगरों में से एक टाइगर वो था जो बहुत एक नहीं 2 टाइगर ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से नहीं दिख रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि हमारे टाइगर जो हैं वो पोच हो गए हैं या मार दिए गए हैं या वो हो गए हैं, ये हो सकता है कि वो कैमरा ट्रैप में नहीं पकड़े जा रहे हों। क्योंकि देखिए हम लोग 3 तरह से साक्ष्य लेते हैं, एक तो पगमार का लेते हैं, दूसरा डायरेक्ट साइटिंग का लेते हैं, और तीसरा कैमरा ट्रैप का लेते हैं। डायरेक्ट साइटिंग और कैमरा ट्रैप हमारे सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो अगर ये चीज में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि टाइगर ऐसी जगह हो जहां से हमें नजर नहीं आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो किसी अन्य क्षेत्र में माइग्रेट करके चला गया हो, जैसे कुछ टाइगर कुनो भी चले जाते हैं, हमारे उधर से भी आ जाते हैं इधर से भी चले जाते हैं। तो हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, बाकी जो कमेटी जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी उस जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। सर, टोटल यदि रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो टोटल कितनी बाघों की आबादी ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड देखिए 77 थी उस समय, पहले 2 टाइगर सभी हमारे मारे गए, एक तो मर गए, मतलब मारे नहीं गए मर गए, एक तो मार दिया गया एक मर गया, T58 की डेथ कुछ समय पहले हुई थी, और एक इसको जो T86 को जो है वो ऐसा तथाकथित ये कहते हैं कि साहब इसको मार दिया है ग्रामीणों ने, तो उनका अगर संख्या हटा दें तो अभी 75 के आसपास हमारी टाइगर रिजर्व
टाइगर्स की संख्या जो है वो रिजर्व में आ रही है। उसमें मिसिंग अपने 25 मिसिंग का अभी 25 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा बदल भी सकता है। कोई भरोसा नहीं कि अगली टाइगर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में इस 25 में से पता चले कि साहब आधे से ज्यादा तो वापिस हमको दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी हर तरह की है, इसीलिए हमने कमेटी बनाई है कि भाई एक बार जांच करो, देखो कहां कमी आ रही है, कहां सुधार करने की जरूरत है, और अगर किसी के लापरवाही है तो वो भी बताओ। कितने महीने में रिपोर्ट दे दी जाए? 2 महीने का समय दिया गया है जांच रिपोर्ट देने के लिए।